फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज़ा सीतापुर बुढ़वल रूट के बारे में, जो लगभग कंप्लीट हो गया है। बात करें सीतापुर से बुढ़वल के बीच में, तो ये डबलिंग का जो काम है और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो भी कम्प्लीट हो गया। वहीं सीतापुर सिटी से रोज़ा तक भी जो डबलिंग का काम है, वो काफ़ी समय पहले ही पूरा कर लिया गया था। मात्र बचा हुआ है यहाँ से सीतापुर जंक्शन से सीतापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक 3 किलोमीटर की दूरी तक, ये अभी सेक्शन डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से बचा हुआ है। खबर यहीं आ रही है कि अगले महीने हो सकता है सीतापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से सीतापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक मेगा ब्लॉक ले लिया जाए। फिर पूरा आपका जो रूट है वो रोज़ा से लेकर सीतापुर होते हुए बुढ़वल तक वो डबल लाइन का हो जाएगा। तो माल गाड़ियों का ट्रैफिक वैसे भी इस सेक्शन पर बहुत ज़्यादा है, ट्रेनें थोड़ी सी कम हैं। और ये जो सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से सीतापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है, या 3.25 किलोमीटर के करीब की। लेकिन इस 3 किलोमीटर की दूरी की वजह से भी मात्र इतनी ज़्यादा ट्रेनें लेट हो जाती हैं, घंटों लेट हो जाती हैं, आप ये मान के चल सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये भी पूरा हो जाए, और कल आपका बुढ़वल से लेकर सुंधिया मऊ रेलवे स्टेशन तक जो लगभग 11 किलोमीटर की दूरी है, उसका भी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी मनोज अरोड़ा जी ने स्पीड ट्रायल किया लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। स्पीड ट्रायल का व्यू भी हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये जो आपका पूरा 98 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी आप मान सकते हैं सीतापुर सिटी सीतापुर जंक्शन से बुढ़वल तक, ये कंप्लीट हो गया। तो अब ये होना चाहिए कि जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, कम से कम उनको रिशेड्यूल कर दिया जाए, यानी कि उनके समय में परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि जननायक एक्सप्रेस जो आपकी दरभंगा से अमृतसर के लिए चलती है, कई बार सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 1 से 1.5 घंटा पहले ही आ जाती है और खड़ी रहती है, और इसका फ़ायदा यात्रियों को मिलना चाहिए। क्योंकि अब तो स्पीड भी अच्छी मिलेगी, साथ में ट्रेनों को क्रॉस भी नहीं कराना पड़ेगा और सफ़र भी जल्दी कट जाया करेगा। तो यूँ कहें मेन लाइन जो आपका गोरखपुर से है और रोज़ा तक, चाहे आप वाया लखनऊ रख लीजिए या वाया सीतापुर, ये पूरा का जो पूरा सेक्शन है वो डबल लाइन का वो कम्प्लीट हो गया है, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर। तो बहुत अच्छी और बड़ी खबर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और अब एटलीस्ट मेरा मानना यह है कि कुछ और ट्रेनों की संख्या इस सेक्शन पर बढ़ा देनी चाहिए आने वाले समय में, कुछ एक आध महीने में। क्योंकि जब डबल लाइन का ट्रैक पूरी तरह से तैयार हो गया है 3 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, तो अब रेलवे को चाहिए कि थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक है वो इस रूट पर बढ़ा देना चाहिए। तो कम से कम सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के रहने वाले निवासियों को मिलना चाहिए। क्योंकि गोरखपुर से दिल्ली के लिए जो शॉर्ट रूट है वो वाया सीतापुर बरेली होते हुए ही शॉर्ट रूट है। तो फ्रेंड्स देखिए सामने से स्पीड ट्रायल का व्यू हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।